हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टर नीरज ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप किस तरह से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये काम आप अपने कंप्यूटर, पीसी या फिर मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ब्राउजर में आपको टाइप करना होगा uidai.gov.in या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहां आप माई आधार पे जाएंगे। माई आधार में आपको आधार सर्विस देखने को यहां मिलेगा। आधार सर्विस में आप वेरीफाई एन आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई एन आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ नीचे जो कैप्चा यहाँ शो हो रहा है, इस कैप्चा को फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसके लास्ट 3 डिजिट यहाँ शो होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको जाना होगा माई आधार पे। माई आधार में आपको यहाँ डाउनलोड आधार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ आपको कैप्चा फिल करेंगे। ध्यान रहे कि आधार कार्ड डाउनलोड करते समय कैप्चा हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस नंबर के ऊपर 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। वो उस ओटीपी को आप यहाँ फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ नो पे टिक करना है। नीचे यहाँ पे नोट ऑर्डर पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आधार कार्ड डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको आधार कार्ड को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि पासवर्ड आपके नाम के फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल, उसके बाद लास्ट का डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ अपने नाम का फर्स्ट 4 कैपिटल लेटर फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। उसके बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको आधार कार्ड यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।